नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी एग्जाम्स। और इसमें क्या करेंगे हम कि शुरुआत में हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है या बिहार स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और देन अगर टाइम मिला तो वी विल मूव टू जनरल वाला सेक्शन जो है, जनरल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब उस पर मूव करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे बिहार वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी या पॉलिटी है, तो ये सब हम करेंगे। बिहार करंट अफेयर्स तो हम करते ही हैं रोज़, एंड नाउ विल बी डूइंग द स्टैटिक पोर्शन ऑफ बिहार ऑल्सो। ओके, सो आज का जो सब्जेक्ट है ये है बिहार का एंशियंट हिस्ट्री। बिहार का एंशियंट हिस्ट्री है और इसमें हम करेंगे चैप्टर वन जो कि प्री हिस्टोरिक एज इन बिहार है। प्री हिस्टोरिक एज इन बिहार में आएगा पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और चालकोलिथिक एज। तो इसमें हम सारा पूरा डिटेल में नहीं कवर करेंगे, पीएचडी नहीं करना है हमें टॉपिक पे, हमें बस अपना एग्ज़ाम निकाल लेना है। और जो क्वेश्चंस आती हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, बस उसी पॉइंट्स को हम डील करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक एज इन बिहार, लेट्स बिगिन। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज इन बिहार, देन वी विल मूव टू मेजोलिथिक एज इन बिहार, देन द नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज इन बिहार, देन द चालकोलिथिक एज इन बिहार। तो ये हम जनरल वाला नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बिहार में जो रिमेन्स कहाँ मिली है, बिहार में जो एविडेंस मिला था, कौन से टाइम से कब से मिला था, यही सब देखेंगे, बिहार वाला देखेंगे, ओवरऑल वाला नहीं देखेंगे हम। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे है द एविडेंस ऑफ अर्ली मैन हैव बीन फाउंड फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो अर्ली मैन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि अर्ली मैन का एविडेंस कहाँ पे मिला था बिहार में, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में नहीं मिला था, ये सदर्न पार्ट में मिला था, दक्षिण भाग ऑफ जो बिहार है वहाँ पे मिला था अर्ली मैन का एविडेंस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होने के चांसेस है कि द एविडेंस ऑफ अर्ली मैन वॉज हैव बीन फाउंड फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। ओके, नाउ विल मूव टू पैलियोलिथिक एज इन बिहार। पैलियोलिथिक एज इन बिहार की जब बात करते हैं हम, तो दिस एज डेट्स बैक टू 1 लाख BCE। ठीक है, तो इसका जो एविडेंस यहाँ पे बिहार में जो पैलियोलिथिक एज का एविडेंस मिला है, तो उसका एज पता चला है कि वो 1 लाख BCE पुराना है, वो सब जो भी रिमेन्स मिले हैं, तो ये उनका डेट एज हो गया। फिर द रिमेन्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर एंड नालंदा। नाउ सी, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि रिमेन्स कहाँ से मिलता है, जो एविडेंसेस थे वो कहाँ से मिला था, कैसे पता चला कि पैलियोलिथिक एज बिहार में कब से कहाँ पे चल रहा था, ये कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे जो मुंगेर और नालंदा है वहाँ पे हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया और उसको फिर कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने उसका एज पता किया, तो उससे पता चला कि पैलियोलिथिक एज का चीज़ बिहार में भी मिला। ठीक है, तो ये साइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुंगेर ठीक है, मुंगेर हो जाएगा और दूसरा जो है वो है नालंदा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने के चांसेस हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द टूल्स दैट वर फाउंड फ्रॉम पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ बिहार आर एक्सेस, स्पीयर्स, नाइव्स। तो यहाँ पे जो टूल्स मिल रहे थे वो कुल्हाड़ियाँ मिली थी, भालाएँ मिले थे और चाकू सब मिला था, जिससे पता चल रहा था कि पैलियोलिथिक एज का रिमेन्स है ये सब। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट देख लिया हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में। नाउ विल मेक मूव टू नेक्स्ट एज, दैट इज़ मेजोलिथिक एज इन बिहार। तो यहाँ पे क्या है कि मेजोलिथिक एज का जो डेट पता चला, तो वो था दिस एज डेट्स बैक टू 9000 BCE एंड लास्टेड टिल 4000 BCE। तो इसका एज क्या हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया, 9000 से लेके 4000 BCE तक हो गया। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड फ्रॉम सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद एंड संथालपुर प्रोविंस। तो ये सब
मेजोलिथिक का जो रिमेन्स था, इस एज का जो रिमेन्स था वो मिला था सिंहभूम से, रांची से, पलामू से, धनबाद से और संथाल से। तो यहाँ पे अभी देख लेंगे हम कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा साइट नहीं है जो बिहार में है प्रेजेंटली। दिस ऑल हैव गॉन टू झारखंड। जब से झारखंड का डिवीज़न हुआ तो ये सब अब झारखंड में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये पॉइंट्स थोड़े अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये अब बिहार में ही नहीं रहा, ये सब प्लेसेस बिहार में नहीं रहे। द स्मॉल साइज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स वर फाउंड एंड दे वर मोस्टली शार्प एंड पॉइंट। ओके, बट वी विल बी कवरिंग दिस बिकॉज सिलेबस में है तो हम कवर कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा बट आई थिंक यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल्स मिले थे वो दे वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड दोज वर शार्प एंड पॉइंटेड। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि पैलियोलिथिक एज में हमें मिला था एक्सेस एंड देन स्पीयर्स एंड देन नाइव्स, ठीक है। बट इसमें जब हम मूव किए, जब मेजोलिथिक एज आ गया था बिहार में, तब जो टूल्स मिले थे, तब जो वेपन्स मिलते थे वो स्टोन के बने होते थे एंड दे वर शार्प होते थे और पॉइंटेड होते थे। तो ये सब थी खास बातें मेजोलिथिक एज के बारे में। नेक्स्ट विल मूव टू न्योलिथिक एज। सो नाउ न्योलिथिक का एज देख लेते हैं। दिस एज डेट बैक्स टू 2500 BC एंड लास्टेड टिल 1500 BC, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 2500 से लेके 1500 BC तक, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ दिस एज वर मेनली फाउंड फ्रॉम चिरान दैट इज सारन एंड चेचर दैट इज वैशाली। तो इसका जो रिमेन्स मिला था वो चिरांद में मिला था जो कि प्रेजेंटली सारन में है, और चेचर में मिला था जो कि प्रेजेंटली वैशाली में है। उस टाइम में वैशाली और सारन करके नहीं हुआ करता था, सोच ही सकते हैं आप न्योलिथिक में कौन इतना पढ़ा लिखा था कि सारन और वैशाली कर रहा होगा। तो उस टाइम में चिरांद और चेचर कह के था जगह जिसको अब हम सारन और वैशाली बोलते हैं। तो वहाँ पे रिमेन्स मिला था न्योलिथिक एज का, ठीक है। पहले हमने देखा कि पैलियोलिथिक कहाँ से मिल रहा था, मुंगेर से मिल रहा था, नालंदा से मिल रहा था। फिर मेसोलिथिक हमने देखा कि झारखंड के जो सिंहभूम, रांची, पलामू जो हैं, संथाल वगैरह ये सब जगह में मिल रहा था। न्योलिथिक में जब हम मूव किए तो हम देख रहे थे कि चिरांद और चेचर में मिल रहा था। द टूल्स दैट वर मेड दैट वर फाउंड फ्रॉम न्योलिथिक साइट्स ऑफ बिहार वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स। नाउ सी, दिस इज डिफरेंट थिंग। अभी हमने देखा कि मेसोलिथिक वाले जो टूल्स थे वो सिर्फ स्टोन के बने हुए होते थे, बट नाउ मूविंग टू न्योलिथिक एज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स मिलने लगे, बोन्स के भी बने होते थे। बोन्स से भी वहाँ उस टाइप के टाइम के जो मैन अर्ली मैन हुआ करते थे उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। न्योलिथिक अब स्टोन इम्प्लीमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। न्योलिथिक स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ सेल्स वेयर फाउंड, छोटा छोटा स्टोन का जो माइन्यूट टूल्स थे वो मिलते थे। द एक्सेस फाउंड वर मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट, बेसल्ट एंड ग्रेनाइट। तो जो एक्सेस था, कुल्हाड़ियाँ, इस सब की चीज़ों की बनी होती थी, क्वार्ट्जाइट, बेसल्ट और ग्रेनाइट की। द फाइंड्स इंक्लूड 9 टाइप्स ऑफ माइक्रोलिथ। तो इस टाइम में 9 टाइप ऑफ माइक्रोलिथ्स मिला था। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटा टूल होता है जो शार्प होता है। बेसिकली ये छोटा छोटा स्टोन का बना हुआ टूल्स होता है। द फाइनल प्रोडक्ट्स इन कलेक्शन आर स्टोन डिस्क इन लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ट्रायंगुलर शेप। तो इस टाइम में जो स्टोन के बने हुए प्रोडक्ट्स मिलते थे जो कि लॉन्ग होते थे, सिलेंड्रिकल होते थे और ट्रायंगुलर इन शेप होते थे। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बातें हैं वो है कि कहाँ पे मिला था, तो चिरांद सारन में और चेचर वैशाली में मिला था। और स्पेशल चीज़ क्या हो गई, स्टोन के तो मिलेंगे ही और बोन्स के भी टूल्स मिलते थे। सो दीज टू पॉइंट्स विल कीप इन माइंड। न्यूलिथिक एज से ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट, चैल्कोलिथिक एज इन बिहार। चैल्कोलिथिक एज इन बिहार में क्या क्या रिमेन्स मिला, कहाँ पे रिमेन्स मिला, तो वो मिला चिरांद में, चेचड़ में, भागलपुर में और सोनपुर में। तो चिरांद और चेचड़ में तो हमने देखा कि न्यूलिथिक वाला भी मिल रहा था। एडिशनल यहाँ पे क्या हो गया, भागलपुर और सोनपुर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मैन वेयर ऑब्जर्व। तो इस टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन भी अर्ली मैन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगी थी। द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ
क्ले पॉट्स एंड यूटेंसिल्स वर फाउंड टू। जब देखिए चालकोलिथिक एज के बारे में कैसे पता चला कि बिहार में, क्योंकि उस टाइम पीरियड का जो क्ले पॉट्स था, मिट्टी की जो बर्तने थी या घड़ा, घड़ा बोलते हैं ना पॉट्स को, या गमला, ये सब मिल रहा था उस टाइम में। तो उससे पता चला कि चालकोलिथिक एज भी बिहार में चल रहा था, वो पीरियड आया था, और यहाँ भी जो चालकोलिथिक एज के अर्ली मैन थे वो लोग यहाँ पे आके बसे हुए थे। और कहाँ पे, तो वो बसे हुए थे चिरांद में, चेचड़ में, भागलपुर में, सोनपुर में। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट जो है, रिमेन्स कहाँ पे मिला, ये पूछने के चांसेस हैं, मतलब प्रोबेबली इसको पूछा जा सकता है कि चिरांद, चेचड़, भागलपुर, सोनपुर में चालकोलिथिक एज का रिमेन्स मिला था। अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर, प्री हिस्टोरिक एज इन बिहार में। हमें यही पढ़ना था, जो पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, फिर नियोलिथिक हमने देखा, और हम लोग चालकोलिथिक देखा। सब में यही इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन सा जो वहाँ रिमेन्स हैं, सारे एजेस के रिमेन्स हैं, वो कहाँ से मिले थे, पर्टिकुलर साइट जो है वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हिस्टोरिक एज इन बिहार। अभी प्री हिस्टोरिक किया है, फिर हिस्टोरिक एज इन बिहार करेंगे, उसके बाद वही आर्यंस का एडवेंट, और धीरे धीरे एंशियंट मूव करेगा टुवर्ड्स मौर्य एंड ऑल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।